हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है एक सिंगल डोर के फ्रिज के जो पार्ट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, इस बारे में वीडियो है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेन पार्ट्स होता है, जैसे फ्रिज का मेन पार्ट्स होता है ये कंप्रेसर है। ये फ्रिज का जो है मेन पार्ट्स होता है, तो ये एक होता है कंप्रेसर होता है, जिसका कार्य क्या होता है, जो गैस उसमें रहती है उसको प्रेशर से दौड़ाने का कार्य करता है। इसमें से प्रेशर निकलता है जिसके कारण से पूरी फ्रिज में, पूरे सिस्टम में जो गैस जो है दौड़ती है, जिसके कारण से ठंडक होती आती है। तो ये इसका जो है मेन पार्ट्स होता है फ्रिज का। तो अब हम ये दूसरा पार्ट्स आपको दिखाते हैं। ये जो है यह है फ्रीजर, इसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। और ये फ्रीजर जिसमें ठंडक आती है, ये वो है फ्रीजर है। ये जो है फ्रिज के अंदर ये ऊपर साइड को रहता है, जिसके कारण से जब ये ठंडक होती है तो ये ठंडक जो है पूरा नीचे तक धीरे धीरे करके पूरे में हो जाती है। मेन स्टार्टिंग यही ठंडक होती है, मेन इसी के अंदर ठंडक आती है, इसको फ्रीजर भी बोलते हैं और कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। और एक ये होता है, ये जाली जो रहती है ये फ्रिज के पीछे साइड लगी रहती है। कुछ फ्रिजों में क्या होता है, ये फ्रिज के अंदर भी होती है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसर। ये कंडेंसर इसको कहते हैं, ये जाली है इसको कंडेंसर कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको, अगला पार्ट्स बता रहे हैं। जैसे मान ये जो है थर्मोस्टेट है, इसका काम क्या होता है, कूलिंग के हिसाब से कट करता है। अगर कम कूलिंग होती है तो ये फिर से स्टार्ट हो जाता है, अब ज़्यादा कूलिंग होती है तो ये कट कर देता है, इसका नाम है थर्मोस्टेट। तो आगे और बढ़ते हैं। ये जो है ये है कैपलरी, ये बहुत पतला पाइप होता है, इसके अंदर सुराख होता है, ये कैपलरी होती है। ये जो प्रेशर होता है उसको और ज़्यादा हाई प्रेशर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है कैपलरी बोलते हैं। और ये है, ये हमारा है कैपेसिटर। जैसे कंडेंसर उसको कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए इस कैपेसिटर को मदद करते हैं, इसमें थोड़ी और ज़्यादा ताकत लगने से कारण ये कंप्रेसर और जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो ये उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो जैसे छोटा कंप्रेसर होता है तो उसमें नहीं भी रहता है, कोई मुश्किल नहीं रहता है, मगर जो बड़े कंप्रेसर कोई भी होते हैं तो उसमें ये कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और एक ये होता है, यह है रिले, इसमें कंप्लीट है, इसमें OLP भी लगा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा ये रिले है, ये दोनों कम्बाइंड। इसको आपको हम अलग अलग करके भी दिखाते हैं। देखिए ये जो है ये OLP है, ये अलग से है, और इसी के ये रिले है, तो उसी टाइप का रहता है, मगर उसको जो है एक साथ किया गया है। ये जो OLP है, जैसे कंप्रेसर किसी कारण से नहीं स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज लो हो गया, या तो कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा वाइंडिंग हीट हो गई है, तो अगर ये कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होता है किसी कारण से, तो ये जो है ओवरलोड, ये जो है इसमें एम्पियर ज़्यादा हो जाता है और ये कट कर देता है। यानी कि आपकी वायरिंग है, कोई चीज़ जो है सिस्टम, वो आपका ख़राब नहीं होगा, ये इसी जगह से कट कर देगा और 2-3 मिनट बाद ये फिर से ऑपरेट करेगा। तो इसका काम ये होता है। और ये जो रिले होता है, रिले क्या है, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है, ये केवल कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है। और ये एक ये भी है, इस टाइप की भी OLP होती है। ये देखिए, पहले जो है ज़्यादातर जो है 10-12 साल पहले जो भी कंप्रेसर अभी आते थे फ्रिज के, तो उसमें इसी टाइप की OLP लगी थी। अभी जो है इस टाइप की है, इस टाइप की OLP हो रही है। ये दोनों का काम जो है वो सेम वही काम है। और ये क्या है, ये फिर ये होल्डर है, ये फ्रिज में जो है बल्ब लगा रहता है उसका होल्डर है। ये बल्ब है जो रोशनी के काम आता है, इसको बस ऐसे लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। और ये हमारा जो है ये फिल्टर है, ये जो आपको अभी कंडेंसर दिखाया था उसमें लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर कोई भी कचरा अगर आए तो इसमें रुक जाए। और इसके आगे से ये कैपलरी लगाया जाता है पतले होल वाला, कि अगर इसमें कचरा अगर इसके अंदर आ गया तो ये फिर जाम हो जाएगी, इसलिए इसको इसके पहले फिल्टर कैपलरी से पहले जो है ये फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, ये फिल्टर लगाया जाता है। और ये जो है डोर स्विच, जैसे जब हम फ्रिज को खोलते हैं तो ये क्या होता है, ये पुश वाला बटन उठ जाता है और ये जहाँ जैसे को हम बंद कर देते हैं दब जाता है, तो इसी के कारण से फ्रिज हमारी खोलने में जो है ये इसका बल्ब जल जाता है, जहाँ इसको हम बंद कर देते हैं ये फ्रिज बंद हो जाती है। तो बस इतने ही पार्ट्स जो है
हमारे फ्रिज में इस्तेमाल होते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।